हेलो दोस्तों, मैं रूबी चौहान और आज मैं ये क्वेश्चन करने जा रही हूँ। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन दिया गया 3/5 एंड 1/5। जब हमारे डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। जब हमारे डिनोमिनेटर क्या हो, सेम। जैसे यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, ये क्या है हमारे डिनोमिनेटर। तो ये जब सेम हो तो हम क्या कर लेते हैं क्वेश्चन को एज इट। जैसे हमारा इसका एलसीएम क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसको हम प्लस कर देंगे क्योंकि ये ऐड है। तो 3/1 प्लस किया तो हमारा हो गया 4/5। ये हमारा इसका हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। 7/10 एंड 3/10। तो हमारे सेम डिनोमिनेटर है तो ऊपर की डिजिट को हम क्या कर देंगे, सेम डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर ले आते हैं। और 7/3 प्लस किया तो 7/3 कितना हुआ, 10। तो 10/10। ओके, सो नेक्स्ट 1/2 एंड 3/5। अब ये डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो हम क्या कर लेंगे, इनका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। 2 बन जा 2 और 5 बन जा 5, राइट। 2 5 जा 10, इनका एलसीएम निकल के आया कितना, 10। ओके, सो 2 से हम 10 को डिवाइड करेंगे, इस 2 से इस 10 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई 1। ओके, एंड प्लस 5 बन जा 5 2 जा 10 प्लस मल्टीप्लाई 3। ठीक है, बराबर 5 बन जा 5 प्लस 2 3 जा 6 upon 10। 5 और 6 11 11 upon 10। यही इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 -2/7 एंड 11/21। सो अलग अलग है, एलसीएम ले लेते हैं इनका 7 और 21 का। सो 3 से लेते हैं स्टार्टिंग में, 7 का 7 3 7 जा 21, 7 1 जा 7 और 7 3 7 जा 21। इसका एलसीएम आया 21। ओके, इसका एलसीएम आया कितना, 21। अब 7 से डिवाइड करते हैं, 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई माइनस का 2 प्लस। ओके, और 21 बन जा 21 मल्टीप्लाई 11। सो इज इक्वल टू 3 2 जा 6। ठीक है, प्लस 11 बन जा 11 21। ठीक है, साइन किसका आएगा, साइन जो बड़ी वाली डिजिट होती है उसका साइन आएगा। तुम्हारा ये क्या, माइनस का साइन। अब 11 में से हमने अगर 6 वैसे भी माइनस के किए तो कितना बचा हमारे पास, है ना, 5 5/20। सो ये है इसका आंसर। आज हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।